सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है सभी का हमारे वन ब्लॉक के वर्ल्ड के अंदर। सो पिछले एपिसोड में मैंने बहुत सारा काम किया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन किया, और आज जो है वो बहुत सारा काम है करने को। तो सबसे पहले मैं अपनी सारी प्रोग्रेस दिखाता हूँ जो कि मैंने करा है। सो इन 3, 2, 1, ये तो टट्टी है। वन ब्लॉक का हमारा छोटा सा वर्ल्ड था, उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक सा बड़ा कर दिया है। और अभी जो हम लोग हैं थर्ड फेज के अंदर हैं, जिसमें वो स्नो वाला फेज आता है, और मैंने अभी तक थर्ड फेज ज़्यादा चालू नहीं किया, थोड़ी बहुत यहाँ से माइनिंग करी है और यहाँ पे हमारी वीट वगैरह भी ग्रो हो गई। रुको, मेरे को ये सब लेने दो। ओके, अब मैं इनको लूर कर सकता हूँ। भाई ये तब से यहीं पे बैठे हैं दोनों ना। ओके, अब ये लोग आ सकते हैं, आ जाओ। तो आज बहुत सारा है काम करने को, और ये देखो चेस्ट में जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं, मेरे को स्नोबॉल्स भी मिली है जो कि मैंने यहीं थर्ड फेज से लिया है थोड़ा बहुत, और वैसे ज़्यादा चीज़ें मिली नहीं है, यहीं है जो चेस्ट में है। मैं 2-3 बार नीचे भी गिर चुका हूँ जिससे मेरा बहुत सारा सामान गया उसके अंदर। तो अभी थोड़ी बहुत खुदाई चालू करते हैं, और अब तो मॉब्स भी स्पॉन होते हैं इसलिए मैंने एक ये स्लैब वाला स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि जो भी मॉब आता है ना यहाँ से कम नीचे उतर जाता है, इसलिए ऊपर नहीं आ पाता वो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास पानी नहीं था वरना मैं छोटा सा पानी वाला बनाता, लेकिन ये वाला ठीक है बिकॉज पानी हमारे पास सिर्फ एक ही बकेट है इसलिए मैं इनफिनाइट तो बना नहीं सकता। अभी थोड़ी देर तक माइनिंग सेशन होगा, देखते हैं क्या क्या मिलता है इससे, क्योंकि तभी आगे बढ़ पाएंगे। और मेरे को आज सबसे पहले एक काम करना है कि यहाँ पे एक बनाना है ये फॉरेस्ट वाला एरिया, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने 4 सैपलिंग लगाई है, मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, ये देखो 14, 2, तो पूरा एक अपना फॉरेस्ट सा बन जाएगा। ओके, अपने पास कुत्ता, लेकिन ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ये एकदम से गुस्से में आ गया जैसी वो हुआ ना, मेरे पास हड्डियाँ भी नहीं है शायद। अबे यार, मेरे पास शायद थी हड्डियाँ जो कि मैं जब जैसी गिर रहा था तभी मेरे पास गिर गई होंगी साथ में। भाई तू ऊपर आ जा प्लीज़, अगर मॉब आ गया ना कोई सा तेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ओके थैंक यू। अबे अबे अबे, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है बीच बीच में गुस्सा क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि बीच बीच में कभी स्टोन आ जाता है और कभी वो ना, तो हाथ अपने हॉट कीज पे ही रखने पड़ते हैं ये शिफ्ट करने के लिए। ओ नहीं 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 नहीं, अबे यार तू क्यों लड़ रहा है, अबे वो मर जाएगा। ओ इसने बचा लिया मेरे को, नाइस, थैंक यू डॉगी। लेकिन उसको बेचारे को स्लोनेस मिल गई, मेरे को इसको फीड करने दो थोड़ा सा, शायद ये रोटन फ्लैश खाता है पता नहीं। एक सेकंड, टेम हो गया तो सिट करेगा? नहीं नहीं नहीं, उसको शायद हमने खाना खिलाया ना इसलिए उसने हार्ट्स दिखाए। ओके, एक बदबू वाली भी चेस्ट आई है जिसके अंदर कुछ नहीं है, बकवास है। अपने पास चिकन भी है शायद, 2-2 चिकन है। ओहो एक और। ओके, 3-3 चिकन हो गई। बस थोड़ा सा वुड मिल जाता ना यहाँ से, तब हम लोग वो फॉरेस्ट वाला एरिया बना सकते हैं। अबे यार, वैसे मेरे को बचाने तो जाता है हर बार पता नहीं, लेकिन ओबे मर गया। शिट, मेरे को बो मिल गई लेकिन वो मर गया यार। अब अगर कम से कम आएगा तो हम टेम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 4 हड्डियां हो चुकी हैं, इन सबको अंदर रख दो, मेरे को मरना नहीं है, रात भी होने वाली है। मेरे को अभी तक फूल के नाम पे मेरे को थोड़ी बहुत ये स्ट्रिंग्स मिली है, और पता नहीं कितने स्ट्रिंग्स से मैं बना सकता हूँ वूल। ओके, 2 वूल बन गई, 1 वूल के लिए 4 चाहिए होती है, मतलब बस 2 स्ट्रिंग और चाहिए जिससे हमारा बेड बन जाएगा कम से कम। नहीं, ओके ओके ओके, शायद मैंने पहले ये बना लिया था 1 वूल, चलो अपना बेड बन गया, ये अच्छी बात है। ओके चलो सोते हैं यहाँ पे हवा में। गुड मॉर्निंग अगेन, वापस से काम पे। मेरे को नहीं लगता मेरे को यहाँ से वुड मिलने वाला है, अब जो करना है इन्हीं को ग्रो करके करना होगा। चलो वैसे मेरे पास शायद बहुत सारा वुड है या थोड़ा बहुत भी। ओके, 24-26 अपने पास प्लैंक्स हैं, बन जाएंगे, मतलब लॉग्स हैं, प्लैंक्स बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। अब फटाफट से काम पे लगते हैं, और एक छोटा सा टाइम लैप्स देखो आप लोग। Thank you.
वैसे मेरे को एक चीज करनी चाहिए थी, इसको थोड़ा ऊपर करके प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए था, तब मतलब ना ज्यादा सही रहता, लेकिन अब बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं बाद में चेंज कर दूंगा, मतलब ऑफलाइन ही चेंज करूंगा, जब ठीक ठाक हमारे पास मतलब पेड़ वगैरह आ जाएंगे तब। मेरे को अपने पिग के लिए एक घर भी बनाना है, क्योंकि वो हमारा पहला पेट था, तो उसको एक सेपरेट घर देंगे। अब बाकी देखते हैं भाई कब बनेगा यार। शायद एक ही गैप पे अगर मैं लगाऊंगा तब नहीं होगा, मेरे को दो का गैप देना है कम से कम। तो एक दो, एक यहाँ आएगी सैपलिंग, मेरे को यहाँ से हटाना होगा नहीं, या फिर हाँ चलो यहीं पे लगाते हैं, यहाँ से भी हटाओ। ओके, तो ये ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन छोटा सा अपना एक फॉरेस्ट वाला इलाका बन गया। इसको मैं और बड़ा कर दूंगा, मतलब यहाँ से थोड़ा उठा के एक प्लेटफॉर्म सा बना के, देन उसके ऊपर मतलब ऑफलाइन में मैं कर दूंगा ये सारा। अब बस सैपलिंग चाहिए सारी, थोड़ी बहुत बर्च भी उगा देते हैं। स्प्रूस के लिए शायद वो चाहिए होता है, चार में लगाना होता मुझे पता नहीं है। अभी के लिए मैं ओक की सैपलिंग लगा रहा हूँ। यहाँ लगाएंगे दो बर्च, बाकी हर जगह ओक। ओके, अपना ये वाला इलाका भी तैयार हो गया। और अगर मेरे पास बोनविल है तो मैं एक उगा दूँ, लेकिन मेरे पास बोनविल ही नहीं है। ओके, मेरे को फेंस भी बना लेना चाहिए अभी साइड से कवर करने के लिए, क्योंकि मैं उछलता बहुत हूँ तो गिरूंगा बहुत गंदे वाला। ओके, 20 बन गई। मेरे पास यार खाना भी तो नहीं है ना खाने को, सिर्फ बेरीज मैंने उगाने का सोचा था, लेकिन उससे उतना वो नहीं मिलता, ना तो सेचुरेशन मिलता है ना तो फूड बार उतनी जल्दी भरता है। सेम है इस मेलन के साथ, फूड का भी जुगाड़ करना पड़ेगा मेरे को, ये इलाका बड़ा करना पड़ेगा। ओके, इसको यहीं तक रहने दे रहा हूँ, बिकॉज मैं आगे तो आने नहीं वाला, और थोड़ा सा इस साइड से। अब बस मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत माइन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है अपने को। ओ गोल्ड ओर, लेकिन यार मेरे को मेरे को आयरन मिला है, मेरे को आयरन स्मेल्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे को गोल्ड मिला है तो क्या डायमंड भी मिल सकता है, पता नहीं, शायद उतनी जल्दी मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। मेरे पास 9 ओर हैं, इसमें भी है क्या? हाँ, टोटल हमारे पास 16 है। इसको मेरे को 16 को स्मेल्ट करना पड़ेगा पहले, एक बार ये ग्रो हो जाए ना उसके बाद ये जल्दी जल्दी मतलब ये मेलन्स वगैरह उगने लग जाते हैं, ये सही है। मेरे पास सीड भी बहुत सारे हैं, सीड से मैं मतलब वीट उगा लेता हूँ। और पानी मिलना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और वो हमको स्टार्टिंग में ही मिल गया। और अब देखो, देख के अच्छा लग रहा है, मैं एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये देखो, अब लग रहा है कि हमारा वर्ल्ड थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, मतलब ये एरिया काफ़ी एकदम सिमेट्रिक और अच्छा सा लग रहा है मेरे को। छोटा सा फार्म, इसको भी मैं थोड़ा और बड़ा करूँगा। ये रहा हमारा एनिमल फार्म, इसको तो बाद में देखा जाएगा कैसे। और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं अपना घर बनाऊंगा, मतलब अपना घर बनाएंगे इसी साइड पे, और घर का डिज़ाइन मतलब मैं ऑफलाइन बनाऊंगा, उसको मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को टाइम लैप्स में दिखा दूंगा उसे। ओके, इनफ स्मेल्ट हो गया, एक बार मैं सो जाता हूँ यार। मैं लिटरली शेडर्स लगाना भूल गया था, अभी मेरे को जाके याद आया कुछ तो मिसिंग है। लिटरली मतलब वन ब्लॉक खेल तो शेडर्स लगा के बहुत ज़्यादा सही लग रहा है भाई, मैं सही में मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था शेडर्स का। चलो अब अपने वो बनाएंगे पिकैक्स, अब थोड़ी सी फास्टर माइनिंग वगैरह होगी, और गोल्ड वगैरह भी मिल रहा है। व्हाट द हेक, एक गोल्ड, मतलब एक गोल्ड के लिए इन्होंने मेरे से आयरन की पिकैक्स बनवाई है, बताओ। क्या कहते हैं इसे, फॉक्स, जो भी फॉक्स है, स्नो फॉक्स, जो भी नाम है, ये भी बड़ा हो गया। ओके, तो बस अब मेरे को क्या करना है, मतलब ऑफलाइन ये थोड़ी बहुत माइनिंग करनी है, नेक्स्ट एपिसोड में अपना घर बनाएंगे। वीडियो शायद छोटी हो सकती है ये, पता नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं था। तो ऑफलाइन में माइनिंग करूँगा और थोड़ा बहुत और भी काम करूँगा। एंड या बाकी इस एपिसोड के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स का, प्लीज़ कंप्लीट करवा दो। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।